Archana, B for Bhojan, C for Choti Chaddi, D for Dole. भाई अब अर्चना और सोहेल के स्कूल में और क्या पढ़ाई होगी, है ना? Welcome to Koinoor, the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़। आज हंसी की इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नर्सरी से लेकर एमबीए तक के स्टूडेंट्स आएंगे और हंसी की परीक्षा देंगे हमारे स्कूल एंड कॉलेज स्पेशल में। बुढ़ापे में पढ़ने गए चाचा सुदेश को हो गया है अपनी टीचर डॉली से प्यार। अब इस पढ़ाई में चाचा पास होते हैं या फेल, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज ओल्ड मैन एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। जो लोग मुझे समझते हैं इसीलिए तो मैं पढ़ने के लिए आया हूँ स्कूल में। अर्चना जी आप तो जानती हैं पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती ना। हाँ. तो आप भी चार जमाते पढ़ लो फिर। थैंक यू, आई विल। सुनील साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कम अमाउंट के चेक इनको मिलते इतनी खुशी से पढ़ती पता ही कुछ नहीं। अरे इतनी देर में तो हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, आप अभी तक यहीं बैठे हो। कमाल हो गई है यार, मैं स्कूल में आया हूं, टीचर तो है ही नहीं। हाय। यस अंकल, वेयर इज द वेंटिलेटर? अंकल तो ठीक है, वेलिनेटर क्या? जैसी तुम्हारी उम्र है ना, तुम्हारा वेंटिलेटर पे ही सांस लेना बनता है, समझे? और सुनो, ये पेंशन ऑफिस जो है वो दो गली छोड़ कर है। पेंशन? क्या मैं उम्र से इतना ज्यादा दिखता हूँ? चले तुझे उम्र में दिख रहा है ना, वही बहुत है तेरे लिए, समझा? उम्र से ज्यादा दिखता हूँ। हेलो, मैं यहाँ पे कोई पेंशन लेने नहीं आया। अच्छा? हाँ जी, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। माई गॉड, पढ़ने के लिए इस उम्र में? इस उम्र में अगर वो जावेद अख्तर साहब लिख सकते तो हम पढ़ भी नहीं सकते यार। वाओ, अपने आप को जावेद अख्तर से कंपेयर कर रहा है येड़ा। ओ हेलो, वो इतना भी पुराने लिखते कि हम उनको अपने साथ कंपेयर ना कर सके, समझे कि नहीं? तुम कौन हो? मैं यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो? सोहेल साहब देखो इंडिया में कितना बेड़ा गर्क हो गया है, आजकल के बच्चे इंग्लिश फिल्में म्यूट करके देखते हैं। अगर वैसे देखते तो इंग्लिश घर बैठे पढ़ जाते तुम लोग सालों। ए मेरे बच्चों के बारे में बकवास मत करना, समझा? ये बता तुझे कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए? जो भी बस दूसरी क्लास में दे दो। ये मर्दों को दूसरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, पहली वाली को तो भूल ही जाते हैं साले। हेलो, हे डोंट टच मी लूडो, मुझे अनपढ़ नहीं समझना, डोंट टच मी लूडो, समझी कि नहीं? सुनो, मैं वो लड़की की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ दूसरी। अबे साले, लड़कियों में जितनी क्लास होती है ना उतनी तो क्लास में भी नहीं होती है। ये मैं तेरे को बता दूं। अच्छा? इतनी जो बात ए, छोड़ो ना मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा छोड़ने को नहीं बोला था मैंने। मुझे क्या पता? उठो, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सुनो, तुम मुझे प्यार करने लगी हो ना? वो तो इसलिए करती हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है, वरना तेरे जैसे आदमी को कुत्ते के मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए भी ना रखूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया अचानक। अचानक क्यों? बस इस उम्र में सब कुछ अचानक ही हो जाता है। अरे बात क्या है, तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ। कल परसों की बात है, अचानक मुझे दो तीन दिल के दौरे पड़ गए। आज सुबह अचानक मुझे लूज मोशन लग गई। एक बात कहूँ? दो कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं डार्लिंग, बहुत बास आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे जीवन में बहुत सारी लड़कियां मिली लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, लेकिन इस लड़की से मैं शादी करूंगा क्योंकि इसके प्यार में मुझे सच्चाई नजर आई। देखो इसने सच बोला ना कि बदबू आ रही है। ओ क्या बात है, सीनियर सिटीजन के एके हंगल। क्या कर रहे हैं आप? मैं वो यार प्यार हो गया इधर एक लड़की से।
अच्छा हाँ जी दमा हुआ पतरी हुआ अस्थमा हुआ ये बताना इस उम्र में प्यार हो गया तेरे को यार बकवास नहीं करनी पता नहीं वो एक लेटर लिख देगा मेरे को यार लव लेटर अच्छा लव लेटर शादी बाजी हुई क्या नहीं तेरी कभी ले यार शादियां तो चार हुई हैं लेकिन पता नहीं मुझे जिंदगी ने ये ना जिंदगी में मुझे सेक्सी सच्चा प्यार नहीं मिला चार शादी हुई सच्चा प्यार नहीं मिला तो रात भर अपनी चारों बीवियों के साथ सांप सीढ़ी खेलता था क्या तू तू पहले बकवास कैसे करता तू है कौन है तेरी औकात क्या है साले तमीज से बात कर मैं इधर का चपड़ासी हूँ सॉरी 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 मैंने सोचा प्रिंसिपल सॉरी सॉरी लेटर लिख दो ना यार लेटर लव लेटर मेरा क्या फायदा होगा इसमें 500 रुपया दूंगा तेरे को साले कॉमेडी सर्कस का राइटर नहीं हूँ मैं 10,000 रुपए लूंगा लेटर लिखने के 500 रुपया साला यार बड़ा यार कमीना सुन ठीक है यार 10,000 मेरे पास होता ना तो मैं यार तेरे पास क्यों आता समझा कर 10,000 होता तो मैं बैंकॉक सीधा ना डायरेक्शन देके तुम समझा कर यार तू समझा कर वहां पे सब सुनो लव लेटर लिख देना अच्छा अच्छा लिख देता हूँ यस हाँ जो मैं लिखवाता हूँ लिख अरे पहले ये तो बता कौन सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है बुड्ढे ये प्यार हुआ जी डोली मैडम से अच्छा डोली मैडम ओ वही मैडम जिनकी बाई जांग पर काला तिल है नहीं नहीं ये बात तुम बोलो मैं लिखता हूँ हाँ लिखो प्रिय डोली हाँ मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता साले दो पल के मेहमान दिन की बात कर रहे थे प्रिय डोली हाँ जब से मैंने तेरी ज्योग्राफी देखी है हाँ तब से मेरी फिजिक्स में हाँ वो उछाल आने लगे बहुत ज्यादा अच्छा और तेरी मेरी केमिस्ट्री अबे साले 10वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है क्या फिजिक्स ज्योग्राफी केमिस्ट्री ढंग का लेटर लिख चल मैं तेरे लिए लिखता हूँ अच्छा हाँ प्रिय डॉली हाँ जब से मैंने तुम्हें देखने की कोशिश की है कोशिश की है साले जैसा तू है ना कोशिश ही कर सकता है समझा कोशिश करने के बाद मैंने तुम्हें देखा मेरे को 3 हार्ट अटैक आए लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है मेरे को पाइल्स है लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठकर तो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर सारा दिन ये क्या बकवास कर रहा है तू मेरी तारीफें लेके ये मेरी बीमारियां लिख रहा तू अबे सुन यार उसको जब पता चलेगा ना कि इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी तू उसको प्यार करता है तो इमोशनल हो जाएगी समझा अगर लड़की है रे अच्छा लिख लिख और बीमारियां लिख हाँ सारा दिन इसका शेम्बुड निकलता रहता है टीबी टीबी तुम्हारा गिरधारी लाल गिरधारी लाल देखो अर्चना जी ऐसे ही होता है अच्छे राइटरों के साथ स्क्रिप्ट कोई और लिखता है और नाम किसी और का चला जाता है ये लो साहब थैंक यू मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी भी उम्र तेरे को लग जाएगी घंटे की उम्र है तेरी साले पैसे ला मेरे कितनी बार कहा गोविंदा का भांजा लिया तो मारता रहता है मेरे को नाम उनका लगता है चला ना चला यार पैसा क्या 10,000 रुपया लेटर लिखा ना मैंने 10,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं साले मार मार के मार डालूंगा तेरे को समझा तो मार दे घंटे की उम्र है मेरी आधा घंटा पहले ऊपर पहुंच जाएगा 10,000 रुपया तो बच जाएगा मेरा अरे 10,000 छोड़ देख इधर 10-10 मिलते हैं कि नहीं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग तो बताइए अर्चना सुदेश एज द बुढ़े जी आपने बहुत बढ़िया किया बट कृष्णा यू आर अमेजिंग Amazing. You are the one and only cut piece in this whole of India. I'm not going to wait. I can't wait. I have to give you this. 10 points. Sahil. आप लोग किनो you all are like rugby players. आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो बीच के अंदर लेकिन एक दूसरे से नाराज नहीं होते You know, which is amazing. आप डॉली जब आप करते हो तो मतलब आप पूरा खुल के करते हो डॉली ऐसा कभी भी वल्गर नहीं लगता सुदेश जी मैन जब आप एक ठरकी बुड्ढे का रोल निभाते हो तो ऐसा नहीं है कि यार ये आदमी क्या कर रहा है एक स्वीटनेस होती है सो वेरी वेल डन आपने वो इंग्लिश में क्या बोला था वो हाँ मैंने कहा था hey, don't touch me, Ludo. वो ऐसे लूडो खेलते नहीं है जो मैंने मुझे इंग्लिश आती नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ हाँ। तो वो खेल रहे थे तो किसी ने ऐसे उसकी लूडो ऐसे पकड़ी तो वो कहता डोंट टच मी लूडो मेरी तो मैंने वो याद कर लिया तो मैंने वही बोल दिया थैंक यू सुहेल राजीव ने आपसे 10-10 नंबर्स की भीख इतनी बार मांगी है कि अब उसने इसे अपना पेशा ही बना लिया है
और अब तो वो दूसरों को भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दे रहा है. प्लीज वेलकम राजीव एज भिकारी एंड सुगंधा एज स्ट्रीट सिंगर. वो भी उस गाने पे जिसमें मैंने कभी एंजॉय नहीं किया. मैं अकेले थोड़े ना कर रही हूँ, सोहेल जी भी तो कर रहे हैं. सर मैं एक भिखारन हूँ, आपसे भीख मांगने का तरीका सीखने आई हूँ. अच्छा कहाँ से आई हो? सर मैं एक सिंगिंग रियलिटी शो जीतने के बाद भी एक भिखारन हूँ. मैंने तुझे पहचान लिया है, तुझे भीख कहाँ से मिलेगी? इतनी मनहूस है ये. जिस शो को इसने जीता है उसके जजेस को काम नहीं मिल रहा. नहीं नहीं सुहेल जी आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं ये शो जीतने ही नहीं दूंगा. मैं हूं ना, फाइनल तक पहुंचाऊंगा इसको, उसके बाद ठुड्डे मरवा के निकलवाऊंगा इसको वहां से. मैं प्लीज मुझे भीख मांगने सिखाइए सर, प्लीज. मैं सिखाऊं? इतनी देर होगी तुझे कॉमेडी सर्कस करते हुए, अपने लोगों में बैठकर भी तुझे भीख मांगना नहीं आया. सर ये सब तो प्रोफेशनल्स है ना, मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा सर. थप्पड़ मारूंगा तुझे, इंडिया में पैदा हुई है उसे सीखने में टाइम लगेगा. हिंदुस्तान में तो हम पैदा ही मांग के होते हैं, सबसे पहले हमारे माँ बाप हमें मांगते हैं तो हम पैदा होते हैं. उसके बाद हम पैदा होते तो नर्स मांगने आ जाती है, घर में जाते तो हिजड़े मांगने आ जाते हैं, स्कूल में जाते तो प्रिंसिपल मांगने आ जाता है, नौकरी लेने जाते तो अफसर मांगने आ जाता है. अभी भी तुझे मांगना सीखना. सर ये बताइए कि भीख मांगने के लिए ज्यादा लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं? बड़ा आसान है, तमाशा दिखाओ. जैसे मैं अभी का आइए आइए, और याद रखना जब लोग इकट्ठे हो जाएं उसके बाद सच बोलना, सिर्फ सच. आइए आइए आइए, आपको दिखाता हूँ फुटबॉल के बराबर अंडा, फुटबॉल के बराबर अंडा. सर, अभी तो भाई आपने सच बोलना चाहिए, फुटबॉल के बराबर अंडा कैसे हो सकता है सर? अभी दिखाता हूँ. कौन कौन देखना चाहता है फुटबॉल के बराबर अंडा? कौन कौन? बोलिए बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए. कौन कौन? आप देखेंगे, आप देखेंगे. ओके ये देखिए, फुटबॉल के बराबर अंडा. सर ये तो फुटबॉल है. तो ये के बराबर में तेरा चाचा बैठा हुआ है? क्या है? सर और सिखाइए, सर और सिखाइए. प्यार कर ले मुझसे. सर क्या और क्या सिखाऊं, इतना कुछ तो सिखा दिया. चल ऐसी जगह तुझे लेके चलता हूं जहां पर पैसे मिले ना मिले नंबर जरूर मिलेंगे. चल आ जा. हो जा शुरू. कहां जा रहे हैं सर? कॉमेडी सर्कस सेट पे. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नाउ बिकॉज इज वी रीचिंग अ फिनाले, हम लोग एंड तक पहुँच रहे हैं, लेकिन यार आप लोग मतलब इतना कॉमेडी करने के बाद, इतने एक्ट्स करने के बाद, इट इज़ क्रेडिबल कि आप आज भी मैं और अर्चना मैम बैठ के मतलब इलाफा गट्स आउट, और आप लोग हर सैटरडे संडे को मतलब पूरी देश को पूरी दुनिया को हंसाते हो. यू नो यू गाइस हैव बिकम द स्ट्रेस बस्टर्स ऑफ टेलीविजन, एंड आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग को कितने दुआएँ मिलती है. So great job done by you guys, by Comedy Circus, and welcome again, back again and again, Rajiv. Superb. Arshana ji, क्या कहेंगे आप राजीव और सुगंधा के बारे में? हम तो जो भीख मांग रहे हैं सो भीख मांग ही रहे हैं राजीव, लेकिन तुम अभी तक नंबर की भीख मांग रहे हो, स्पेशली सोहेल से. सुगंधा, you're blessed with two talents. एक आपकी अदाकारी and of course your singing. सो बहुत अच्छा आपने पैरोडी में अपने अपनी इस कला का प्रदर्शन किया. आई लव दिस परफॉर्मेंस, वेरी नाइस. वाह, तो कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 points. सुहेल 9 points. प्लीज वेलकम भारती एंड सिद्धार्थ. Welcome, welcome to my house. विपुल present my house. और विपुल present क्यों? क्योंकि विपुल ने मुझे present दिया है जोरदार तालियाँ. Oh my God, 9 बज गए. No point. यानी मुझे कॉमेडी सर्कस के कॉमेडी सर्कस शूट में जाना है. मुझे तैयारी करनी है. कई लोगों ने मुझे विदाउट मेकअप देख लिया तो बोलेंगे मैं सिद्धार्थ जाधव जैसी दिखती हूँ. लेकिन मेरा बेटा है सुहेल. हाय सुहेल. सॉरी. कैसे हो? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? आज मेकअप भी किया है. मेरा बेटा भी है गोलू. उसके स्कूल की तैयारी करनी है. लेकिन कबाड़ से किचन से सब सामान उठाना है. मैं निकालती हूँ किचन से कुछ, कबाड़ से कुछ. ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म. ये मेरी बेटी का टिफिन. नहीं ये गोलू नहीं, गोलू के लिए बुलाऊंगी. वेलकम माय प्रेजेंट गोलू. सर
लेकिन तुमने तो बिस्तर गीला किया है। अम्मा, बिस्तर खाए को गीला किया मैंने। मैं गोलू कांत, सन ऑफ रजनीकांत। बेटी, मैं बिस्तर गीला नहीं कर सकता। फिर मेरे को देख के बिस्तर डर जाता और बिस्तर गीला हो जाता है। अम्मा, नावड़े में नहीं गिन्नी बनी, जिन्नी बनी जाल, सारे अनुमेरे वालों हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। नावड़े में नहीं इन्नी बड़ी जाय दूती, इन्नी बड़ी झाग, मन्नु बड़ी पसंद लगती मक्की दी रोटी सरसों दा साग। मेरी अम्मा ने एक दिन रात को बैठ के रजनीकांत की फिल्म डाउनलोड की और उसके बाद मेरी माँ अपलोड हो गई। और फिर मेरी माँ ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। बस कर बेटे, बस कर, बस कर, बस कर। मैं बोलूंगा, सब लोग कहते मेरी माँ का नेट स्पीड कम है और इतने बड़े होटल का ये कॉमेडी सर्कस वाले मजाक उड़ाते हैं। अब आप ही सोचो सोहेल जी, जिसका हस्बैंड रजनीकांत हो उसके होंठ तो बड़े हो गए ना। बोलो, मैं थप्पड़ मारूंगी, चलो स्कूल जाओ। मायना नहीं जाना स्कूल। मैं थप्पड़ मारूंगी, मायना नहीं जाना। तेरा बेड़ा गर्क हो जब अंदर ये मेरे को मारा। मैं स्कूल जाके क्या करूंगा अम्मा? क्या करेगा? मेरे को कुछ भी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, मैं बड़ा आदमी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा अर्चना जी, आप भी गोद ले लो। अर्चना जी, मेरी अम्मी ने चांद जैसे बेटे को मारा, आप मेरे को गोद ले लो अर्चना जी, चाहे नशे में ही ले लो। नशे में? नशे में सब कुछ कर देती है। सोहेल अंकल, कल तो इसने अपने घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया और उस पे लिखा कि दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, पैग छलक सकता है। मैं फिर से मार तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बांदरिये, मैं दिल का तेरे होंठ निकाल के तेरे गले में लपेट दूं। बोल। सोहेल अंकल, आप ही मेरे को बेटा बना लो, मैं आपके सारे काम किया करूंगा। सारे मतलब? उनको पता है क्या, ये भी पार्ट टाइम ना लोखंड वाला बाजार में शाम को मूली में धागा भर के मोमबत्ती बना के बेचते हैं। What is this, well? This is not fair. What? Oh, sorry. चल स्कूल जा तू अभी। तू पहले तैयार हो जा, पिछली बार की तरह बेड़ा गर्क न करियो अम्मा। क्या हुआ? अर्चना आंटी, ये सोहेल अंकल और मेरी मम्मी का इनको रोज शाम को ये घर में लेने आते गाड़ी में और मेरे को चॉकलेट भी देते। एक दिन मेरी मम्मा को विदाउट मेकअप देख लिया, मेरे हाथ में चॉकलेट दी और छीन भी ली और करेला दे दिया। कहने लगा जैसी तेरी अम्मा की शक्ल है तेरा करेला खाना बनता है। बड़ी जल्दी स्कूल जा, बहुत कंप्लेंट आ रही है स्कूल से। कौन सी कंप्लेंट? माँ, मेरी उधर इज्जत नहीं होती और जिधर रजनीकांत के बेटे गोलूकांत की इज्जत नहीं, माया उधर जाता नहीं। काहे की इज्जत भी तेरी? उस दिन वो मैडम बोल रही थी तुमने मैथ्स के टीचर को और हिस्ट्री के मैडम को बाथरूम में बंद कर दिया। अम्मा, मैंने कोई नहीं बंद किया। फिर मैथ का टीचर पहले से अंदर बंद था, मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री वाली को बंद किया। और जब आधे घंटे के बाद दोनों निकले तो हिस्ट्री वाली टीचर का ज्योग्राफिया बदला हुआ था। पता नहीं मैथ्स वाले ने कौन से फॉर्मूले अपनाए होंगे। बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करते। चलो तुम स्कूल जाओ बेटा, जाओ स्कूल। अम्मा, मैं बच्चा नहीं है, मेरी भी शादी कर दे। शादी? बच्चों की शादी नहीं होती बेटे। अम्मा, जब शादी करके बच्चे होते हैं तो बच्चों की शादी कर, तो क्या पता बड़े हो जाएं। अच्छा, तू स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा मैं। तो मैं जाती हूँ, मुझे कॉमेडी सर्कस के शूट पे जाना है। जल्दी क्यों जा रही है अम्मा? जल्दी जाती हूँ, अगर लेट हो गया तो वो उसका डायरेक्टर ना मेरे साथ फ्लर्ट करता है फिर। अम्मा, वैसे ठीक ही है, फ्लर्ट कर ले गांडा के साथ। क्यों? तेरा अच्छा फिगर है माँ, तेरे अच्छी बॉडी है, अभी पैसे बना ले चार पैसे, अभी तेरा टाइम है, अगर कुछ सालों के बाद, वरना तेरे को ये भी नहीं पूछेगा। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, छोड़ो मुझे। रुक जाओ। क्या हुआ? मेरे को सोहेल अंकल और अर्चना आंटी से एक बात पूछनी है। क्या? अर्चना आंटी, सोहेल अंकल, पिछली बार जो हमने जज वाला एक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग एंकर वाला गंदा हुआ ना। अब आप लोगों को तो पता ही है जज किधर होते हैं और एंकर किधर होती है। तभी तो वही तो सही बात है, लेकिन अर्चना जी आज वही कमेंट देंगी। मेरे को भी पता, वही कमेंट देगी कि भारती ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, भारती ऐसा गंदा भी सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अभी चुप करो, चलो चुप करो। चुप कैसे करो? अच्छा सोहेल बताओ। सोहेल अंकल,
मेरी मामा के होंठ के साथ बताओ कि हमारा दोनों का कैसा लगा। अच्छा मैं तो इनसे बाद में निपट लूंगी, पहले आप बताइए। रोशनी कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें सिद्धार्थ, कभी नहीं। यू नो द मोस्ट अब्सर्ड कॉन्सेप्ट आप सोचते हैं, फिर उस पर लिखते हैं और फिर उसे पेश करते हैं हमारे सामने। And Golu, you've always been my favorite Bharti as Golu, but Siddharth, you've taken the cake on this one. Fabulous. Sahil, ab. पहले तो Siddharth. No. And Bharti. जब से मैं Comedy Circus आ रहा हूँ, मतलब यहाँ ऐसे मैंने concepts देखे हैं कि मुझे मतलब मैंने भी बहुत से कैरेक्टर सोचे हैं, मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, लेकिन मुझे यहाँ हर हफ्ते आके मुझे यहाँ सीखने को मिलता है कि आप लोग का दिमाग कहाँ तक चला जाता है मेरे बॉस, और आप लोग एक्टर्स हाउ कन्विंसिंग यू ऑल डू इट। या सो हैट्स ऑफ यू गाइस। तो भारती और रोशनी को कितने नंबर देंगे आप? अर्चना, ये एक एक्स्ट्रा मार्क मैं रोशनी के लिए। Welcome Kapil as Shamsher and Shweta as Principal. सुहेल साहब, आज मैं इस स्कूल की बिल्डिंग गिराने आया हूँ। इसलिए नहीं कि ये नजायज जमीन पे बनी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और इस स्कूल की पढ़ाई कभी मेरे काम नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। वैसे बुरा ना माने तो आपके बगल में जो बुलडोजर है, मैं 2 मिनट ले लूं। जस्ट किडिंग, वैसे मैं अपना बुलडोजर लेके आया हूं। टैटडैन, आज ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा, चल मेरे बुलडोजर। खबरदार, खबरदार जो तुमने ये बुलडोजर आगे बढ़ाया तो। तो क्या बिल्डिंग डंडे से तोड़ दूं मैं? देखो तुम ये बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, तुम्हारे पास ये बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर है। देखो मैडम, ऑर्डर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने का नहीं था, गिरा ना। और वैसे आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। ओहो, आपके पैर कहाँ हैं? पहले तो वो तोड़ू मैं। एक तो ये प्रिंसिपल होते ना टुच्चे प्रिंसिपल, एक पहले भी प्रिंसिपल था आपसे पहले, मनोहर लाल शुक्ला। साले ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट रखा था मनोहर लाल शुक्ला MA इंग्लिश प्लस इलेक्ट्रीशियन। तेरी वजह से मारते ना टीचर तेरे स्कूल के बच्चों को। एक्सक्यूज मी, हमारे स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता। ये तो अभी मैंने देखा एक बच्चा टांगों में से हाथ निकाल के बैठा था, वो क्या अंडा देने का शौकीन था? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पंडितों का बच्चा जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं यूज होता, उसको मुर्गा बना के रखा है। उसको बनाना तो ग्रीन सैलड बनाओ उसका, और मेरे को मत समझाओ ये सब चीजें, मेरे को सब पता है। ये निशान देख रही हो? हाँ। ये लव बाइट है, इसके नीचे जो निशान है। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई लव बाइट नहीं है। डाल दो फिर। क्या? मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब मैं खुद स्कूल में बहुत बार पिटा हूं, मैं तो खुद इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। क्या? तुम इस स्कूल में पढ़े हो? तो और इन तक मैं इतना बदतमीज़ ऐसे बन गया? 10 साल मेरे वेस्ट किए इन्होंने, कुछ ढंग का पढ़ाई नहीं, मेरे कोई काम नहीं आई पढ़ाई। 10 साल लग गए इनको मुझे कंप्यूटर सिखाने में, मुझे नहीं आया, आया मुझे तभी जब फेसबुक आई। क्या पढ़ाओगे तुम मुझे? अच्छा ये जो तुम हवलदार बने हो, बिना पढ़े लिखे बन गए? ए अंधी, चश्मा उतार अपना, ध्यान से देख, इंस्पेक्टर हूं मैं, इंस्पेक्टर। और ये तेरी पढ़ाई की वजह से नहीं बनाऊ मैं, तेरी पढ़ाई की। तो पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। ए साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया, मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ, मैंने कहा 1 मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। और मैंने उनको कहा सर देखिए मैं घर से निकला तो फूली हुई थी, रास्ते में कील लग गया, पंक्चर हो गई होगी। नहीं माने वो। ए हट, बिल्डिंग को गिरा कराऊंगा मैं। देखो अगर तुमने ये स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी ना, तो हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कौन सा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? इस स्कूल में पढ़े बच्चे, साला कोई मटके वाली कुल्फी बेच रहा है, कोई जोड़ों के दर्द का तेल बेच रहा है, कौन सा भविष्य तेरा? जोड़ों के दर्द का तेल? अरे देखो जैकी श्रॉफ हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाए। ए जो टीवी पे तेल बेचते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बसों में तेल बेचते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मेरा पुराना क्लासमेट मुझे मिला, मैंने कहा आजकल क्या करता है, कहता मेरा सोने का काम है। मैं यूं हो गया, मैं घर जाके देखा साला वाकई सो रहा था। देखो तुम खुद स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, तुम अपने स्कूल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोनों भाई भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इतने बदतमीज हैं,
जिस छोटे भाई को चार साल पहले ये नहीं पता था दो और दो कितने होते हैं, कल मेरे को आगे कहता है सदर थाने वाला प्लाट मिला के और खेत मिला के 9 लाख मेरे हिस्से का बनता है, ये तूने सिखाया ना उसको? देखो हमने तुम्हारे भाइयों को इतना ऊट पटांग नहीं सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। क्या अच्छी चीजें सिखाई तूने? कौन सी कपाल भाती सिखा दी तुमने? देखो हमने आइंस्टाइन का लॉ सिखाया है, बताया है कि किस तरह सेब को गिरते हुए देखकर आइंस्टाइन को पता चला कि धरती में ग्रेविटी होती है और वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक बात बता मेरे को, ये सेब को गिरते देख के उसको क्यों समझ में आया? उस टाइम उसका दिमाग कहाँ था जब लोटा लेके बाहर हल्का होने जाता था, तब क्या सामान ऊपर जाता था? एक सेकंड, ये किताब दे इधर, किताब दे इधर, क्या क्या है? टस्टी करो, ये है सरकारी। एक तो इनका साला कौआ अभी तक प्यासा है इनका, जाके कॉन्वेंट स्कूलों में देख, वहां के कौए ने अपने अपने फ्रिज रखे हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे वही स्कूल में पढ़े बच्चे बड़े बड़े डायरेक्टर बनते हैं, सोहेल खान, सलमान खान। और हमारे स्कूल में पढ़े बच्चे नहीं, मतलब जज दोनों हैं लेकिन अपनी अपनी मार्केट वैल्यू होती है। ये स्कूल का हाल क्या बना रखा है तुम लोगों ने, सीढ़ियां सारी टूटी हुई तुम्हारी। देखो हमारे स्कूल में सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे पिछले 4 साल से ऊपर ही हैं। मेरा मतलब है हमारे स्कूल में लिफ्ट है। लिफ्ट लगी हुई है तो कमरे क्यों नहीं ठीक बनवाए? रोज मैं देखता हूँ बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, कल को अर्चना बाल खोल के आ जाए बच्चों को पता कैसे चलेगा कौन टीचर है कौन भूत है, ये हो क्या रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बाथरूम बनवाए तुमने? देखे बाथरूम अपने? है ही नहीं बाथरूम, सालों ने पिछली दीवार तोड़ के रेलवे लाइन अंदर ली हुई है। 9 से 12 कोई बच्चा हल्का होने नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता ये चीज रुक जाती शताब्दी नहीं रोकी जाती। और जो नए स्टूडेंट आए उनको बेचारों को पता नहीं शताब्दी की टाइमिंग का, कई बार चले जाते हैं फिर आधा काम करके भागना पड़ता है उनको। हट जा पीछे, आज ये SL सरकारी स्कूल गिरा के रहूंगा मैं। चला मेरे बुलडोजर। एक्सक्यूज मी, ये SL नहीं है, GL सरकारी स्कूल है। तुमने खा खा मेरा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें पता है कितने पीरियड्स वेस्ट हो गए मेरे? सॉरी। एक्सक्यूज, कम हियर, कम हियर, यहाँ खड़े रहो यहाँ पर। तुम इस तरह मुंह लटका के नहीं जा सकते। जाने से पहले ना तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन से सवाल का? बताओ आगरा किस लिए मशहूर है? पागल है, ये तो पागल तो नहीं है। अच्छा, ये बार बार आगरा क्या क्या मतलब हुआ? मतलब तुम जब बार बार ये सवाल पूछते हो तब तो अर्चना बड़ा ही हंसती है। आज मैं ये सवाल पूछूंगी तब देखती हूँ कि अर्चना हंसती है कि नहीं। तो बताइए अर्चना, क्या इन्होंने आपको आपके स्कूल की याद दिलाई कि नहीं? श्वेता, यू ऑलवेज लुक द पार्ट, जो भी कैरेक्टर आप करती हैं आप वैसी लगती हैं, एंड ऑफकोर्स द टैलेंट इज अनडाउटेड। कपिल, यू आर वंडरफुल एज यूजुअल। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक कहावत है इंग्लिश में अबाउट वुमेन लविंग गाइज इन यूनिफॉर्म, आई एम अ वुमन, येस आई एम, मूँछो के साथ, सो व्हाट, बट आई लव यू इन योर यूनिफॉर्म, यू लुक वेरी सेक्सी एंड यू डिड वेरी वेल। थैंक यू मैम। सहेल, आप इनके स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? श्वेता डार्लिंग, अगर आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हो ना तो मतलब मैं इस स्कूल में फेल होता रहूंगा, मैं कभी पास ही नहीं होऊंगा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल एक्ट्स, जो मज़ा आप लेते हो कपिल, मैंने किसी को ये मज़ा लेते हुए नहीं देखा है, फंटास्टिक है। तो देखते हैं कि श्वेता कपिल आपको इस बार क्या नंबर मिलते हैं। अर्चना, खास तौर से आज शमशेर के लिए। थैंक यू मैम। सहेल, Mantra as martial arts teacher and Vishakha as student. जजेस को एलिमिनेट कर दिया। वेलकम टू मंत्रास मार्शल आर्ट स्कूल। सेल्फ डिफेंस हम सब की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कईयों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है, पर मीत को भी। जी हाँ।
परमीत जो कि अपने घर में जाकर अपनी बीवी से कहता है मैं मार्शल आर्ट सीख कर आया हूँ, वो कहती है तो क्या हो गया, तुमने मार्शल आर्ट किया है? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। याद रखिएगा ये मार्शल आर्ट्स हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स बच्चे डेफिनेटली नहीं कर सकते। और हाँ, ओ, 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 अगर गलत जगह पे चोट लग जाए तो आप भी बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्शल आर्ट में मैं आपको बनियान उतारना सिखाऊंगा। ऐसे पकड़िए, ये देखिए बनियान उतर गई। मेरे स्कूल में स्टूडेंट भी आएगा, आएगा जरूर आएगा। परेशान मत हो, यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, खुल के बताओ। अबे खुल के बताने बोला, फैल के बताने नहीं बोला, क्या है प्रॉब्लम, क्या बताओ? गुरुजी, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। कैसे दिन आ गए, आजकल के नौजवान कैसी कैसी वस्तुओं को छेड़ते हैं। सोच रहे हैं आप, आजकल के भवरे फूल पर बैठने के बजाय गोभी के फूल पर बैठ रहे हैं। मैंने तो शादी नहीं की अब तक। अब तक से क्या मतलब है तुम्हारा? अब तक 56 क्या मर्द देख चुकी हूँ, कोई भी पसंद नहीं आया। अबे तो मैंने क्या यहाँ मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं मेरे पास क्यों आई है तू? सर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, सर मुझे कुंग फू सिखाओ। कुंग फू? अच्छा फू बाई फू से सीधा कुंग फू है? अच्छा, वैसे तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो ना हो, लेकिन तेरा नाम जरूर रोशन होगा। आज से मेरी ये नई डिसाइपल, इसका नाम होगा कुंग फू पांडा। सर मजाक मत करो ना, मुझे कुछ सिखाओ ना, मैं सीखने आई हूँ सर। अरे ऐसा कैसे सिखा दूँ यार, इसके लिए बेसिक्स आना चाहिए। तुम्हें कराटे आते हैं? हाँ रात में आते हैं, डॉक्टर ने बोला 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। मेरी माँ, मैं कराटे नहीं कराटे बोल रहा था, तेरे को कराटे आते हैं? नहीं आते, आपको आते हैं? नहीं, मैं यहाँ मौसमी जूस बेचने आया हूँ। पागल, ये इतने सालों की मेहनत के बाद ये ब्लैक बेल्ट मिला है। अच्छा, ये तो 50 रुपए में अंदर स्टेशन की तरह मिल जाता है। इसके लिए खाली पकड़ इतनी मेहनत क्यों की? 50 रुपए, ये तेरे को अंधेरी स्टेशन वाला बेल्ट दिख रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मटेरियल है, लोखंड वाला से लाए। चुप कर, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये पहनो। ए भैया, कोई दूसरा कलर नहीं है क्या? अबे मैं क्या ठेले पे 200-200 रुपए की टी शर्ट बेच रहा हूँ, दूसरा कलर चाहिए तेरे को? सर ये सफेद, ये कैसे बेच सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा है अभी। ए, जो मैं बोलूंगा तेरे को करना पड़ेगा, मैं गुरु हूँ और तू शिष्य, जो मैं बोलूंगा मानेगी? आप कह के तो देखिए सर। चलो लंबी सांस लेने को तैयार हो जा। अबे क्या कर रही है, थोड़ा धीरे सांस फेंक, मैंने तूफान फेंकने नहीं बोला था, उस तरह मुंह करके कर। धीरे खींच, तेरे से कॉमेडी होती नहीं है, ये तो ढंग से कर ले। अबे 27 एपिसोड से यही कर रही हूँ, मैंने सोचा कुछ अलग कर ले। पहले डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अपनी कमर की पेटी कस के बांध लो। हाँ, इसके आगे मुझे पता है, विमान में 2 द्वार होते हैं, एक आपके आगे और एक आपके पीछे होता है। हाँ, और चारों द्वार एलिमिनेशन के हैं। और आपातकालीन स्थिति में ये हमें पैराशूट नहीं देंगे, धक्का देंगे। अबे तू क्या कर रही है? सर आपने ही बोला ना कमर की पेटी कस के बांध लो, मुझे लगा अभी विमान उड़ाओगे। अरे ये मार्शल आर्ट्स है, इससे विमान नहीं उड़ता, दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, मालूम है? देखेगी ये, देख ये। I love you for this, sir. मुझे 6 महीने दे, तेरे को बाप बना दूंगा मैं। सर, और 3 महीने दिए, आप मुझे मास्टर बना दो सर। पागल हो गई है तू? मास्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई टाइम की मेहनत लगती है। हाँ हाँ सर, करेंगे ना मेहनत, करेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें शैडो सिखाता हूँ। शैडो सीखने का? हाँ, आई शैडो बना दो और फिर ना मेरे वैक्सिंग भी करा दो। तू वैक्सिंग मत करा, जंगल कटाई पाप है पगली। क्या हुआ? हार झालाता। अब मैं बनूंगी जंगली बिल्ली। अबे बिल्ली का तो पता नहीं, जंगली तो जरूर लग रही है, देख कंट्रोल कर अपने आप को। हमें 10 नंबर मिल गए, हमें 10 नंबर मिल गए। नहीं सर, सोहेल भाई मुझसे तो उठते बनेगा नहीं, आप ही उठ जाओ और कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाना अच्छी तरीके से, जाले वाले भी साफ कर देना, बाकी के नंबर आपके हाथ में। बस बस,
अब कैरेक्टर से बाहर भी आ जाओ और अर्चना आप कैरेक्टर में आ जाइए. बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट. मुझे इस एक्ट में तीन चीजें बहुत पसंद आई. एक तो विशाखा आपकी जो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी थी, एक क्यूट लड़की और एक चालू लड़की, वेरी वेल डन. मंत्रा आपकी एंट्री वॉज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग. आप में ये टैलेंट है, आई डिडंट नो यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स. हाँ, और वो सब हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं. वेरी वेल डन. सुहेल, सुपर्ब यार. विशाखा, इट्स आप एज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम मंत्रा, आपने जो एक ये एक्ट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय मंत्रा बिकॉज फिजिकल मूवमेंट्स बहुत थी, उनको करने को बहुत कुछ मिला. वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड बहुत सारा फिजिकल मूवमेंट था इस एक्ट के अंदर, मतलब बॉटल्स, ब्रिक्स, और इट वॉज अ वेरी इंटरटेनिंग एक्ट. सो कंग्रेचुलेशन. तो चलिए हमें खुश कर दीजिए नंबर्स देकर. कितने मार्क्स देंगी अर्चना? 9 for you today. 9 points. Suhail? 9 points. Laughter का ये स्कूल तो ऐसे ही चलता रहेगा. हमारी जोड़ियां कॉमेडी के कई और चैप्टर्स लिखेंगी. तो हंसी की इस क्लास में अटेंडेंस देने के लिए फिर मिलते हैं. कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़ पर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.